बसमें वाहीम असल स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर टू पॉइंट वन ऑफ कैलकुलस बेसिकली ये एक्सरसाइज हमारी डिफ्रेंसीेशन पर डिपेंड करती है इससे पहले हम डिफ्रेंसीशन पढ़ते आए हैं और सिंपल uh, डिफ्रेंसीेशन का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं और किसी भी फंक्शन की डिफ्रेंसीशन कर लेते हैं लेकिन यहाँ जो डिफ्रेंसीशन आपने फाइन करनी है किसी भी फंक्शन एफ ओफेक्स की वो आपने बाई डेफिनीशन करनी है तो उसके फार्मूले की तो पहले बाद में देखते हैं उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली जिस तरह से आपके पास लिमिट में लेफ्ट और राइट right लिमिट एग्जिस्ट करती हैं और किसी भी फंक्शन की लिमिट के लिए उसकी लेफ्ट और राइट right लिमिट की एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है इसी तरह से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव तब एग्ज़िस्ट करता है जब आप उस फंक्शन का लेफ्ट और राइट right डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है आप एफ ओ फैक्स के ये देखिए जी आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया एफ ओ फैक्स का फंक्शन का डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके साथ आप एल डाल दें इट दिस एल शोज़ द लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ओ फैक्स इसी तरह से अगर आपने राइट डेरीवेटिव फाइंड आउट करना है तो आप एफ ओ फेक्स इस तरह से एफ़ प्राइम एक्स लिखेंगे और इसके साथ राइट right डाल देंगे इससे इससे पता चल जाएगा कि आपने राइट डेरीवेटिव फाइंड आउट किया किसी भी फंक्शन की के डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस के लिए आपके पास लेफ्ट और राइट right डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो इट्स मीन कि उसका लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है आप इस किसी भी फंक्शन के लेफ्ट और राइट right डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करते हैं और इक्वल हैं इनके आंसर्स तो फिर हम ये कहेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लेफ्ट डरीवेटिव का आंसर टू आ जाता थ्री आ जाता है और राइट right डेरीवेटिव का आंसर टू आता है अब आपके लेफ्ट और राइट डेरीवेटिव एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपके फंक्शन के डेरीवेटिव इक्वल नहीं है लेफ्ट और राइट right. तो भी आपके फंक्शन का इस फंक्शन का ओवरऑल डरीवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि लेफ्ट और राइट डेरीवेटिव की एग्जिस्टेंस के साथ साथ इनके आंसर्स भी इक्वल होने चाहिए तो ये तो हमने देख लिया कि किसी तरह किस तरह से बाई डेफिनेशन फंक्शन का डेरीवेटिव फाइंड आउट करते हैं और ये हमने समझ लिया कि लेफ़्ट और राइट डेरीवेटिव की रिप्रेजेंटेशन कैसी है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है अब हम प्रैक्टिकल फार्मूले की तरफ जाते हैं कि लेफ़्ट और राइट डेरीवेटिव का फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है जी ये देखिए ये लिमिट से मिलता जुलता ही फार्मूला है ये आपके पास जो फार्मूला लिखा है ये लेफ़्ट डरीवेटिव का फार्मूला है द लेफ्ट डेरीवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ओफेक्स ये देखें और ये जो फॉर्मूला है आपके पास राइट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ़ एक्स इन दोनों फॉर्मूलों में कोई फर्क नहीं है इसमें है क्या जी आपके पास जो भी फंक्शन है एफ उसमें आप जहां जहां आपका एक्स है वहाँ आप एक्स प्लस एच कर दें उसमें से माइनस करें ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स और डिवाइड कर दें एच से और एच क्या है जी एच एक ऐसा रियल नंबर है जो कि जीरो को अप्रोच कर रहा है दोनों फार्मूले आपके पास लेफ्ट और राइट right लिमिट के सेम हैं लेकिन फ़र्क आ रहा है लिमिट में यहाँ पे एज अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ ज़ीरो और यहाँ पे एज अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को फ्रॉम द राइट साइड ऑफ़ ज़ीरो तो एज की जो अप्रोच है ज़ीरो को लेफ्ट और राइट right साइड से वो यहाँ पर जज करती हैं कि ये कौन सी लिमिट है लेफ्ट लिमिट है लेफ़्ट uh, एरेवेटिव है या राइट right एरेवेटिव तो फार्मूला होप्सो के आपको यहाँ पे याद हो गया अब ये तो जनरल फार्मूला है किसी भी फंक्शन का लेफ्ट या राइट डेरिवेटिव का जनरल फार्मूला है एट अ जनरल पॉइंट एक्स लेकिन अगर इसको पर्टिकुलराइज़ कर दें और हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारे पास एफ ओफेक्स की लेफ़्ट या राइट लिमिट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ए वेन एक्स इज़ इक्वल्स टू ए आपको कहा जाता है कि इस फंक्शन एफ ओ फैक्स का डेरिवेटिव फाइंड करें एट द पॉइंट ए तो फिर आप इस ए पॉइंट के ऊपर लेफ्ट डेरीवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे और राइट right डेरीवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे left, left derivative कैसे लिखा जाएगा लेफ्ट एरीवेटिव ऑफ एफ ए और राइट डेरीवेटिव ऑफ एफ एट द पॉइंट ए इसमें जहाँ जहाँ आपके पास एक्स है वहाँ वहाँ आप ए पुट कर दें तो आपके पास ये राइट डेरिवेटिव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ए और इसी तरह से यहाँ पे भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप ए पुट कर दें तो ये लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट ए बन जाएगा आपके पास तो ये फार्मूले थे मैंने आपको जो बताने थे कि लेफ्ट लिमिट लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट right डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के फार्मूले क्या हैं इन फार्मूलों को जहन में रखें और जब भी हमने लेफ़्ट और राइट डेरिवेटिव फाइंड करना है तो यही फार्मूले अप्लाई कर लें इसके अलावा एक और फॉमूला भी है आप चाहे उस फॉर्म में उस जिसमें इस इस फॉर्मूले में एज इन्वॉल्व हो रहा है बेसिकली बिल्कुल वैसे जैसे हम लिमिट में एज की इंडक्शन किया करते थे बेसिकली एज हमेशा एक ऐसा नंबर इंट्रोड्यूस हम कराते हैं लिमिट में भी और यहाँ डिफ्रेंसीशन में भी कि ए वेरी स्मॉल नंबर दैट इज़ अप्रोसीमेटली अप्रोचिंग टू जीरो ईदर फ्राम द राइट साइड और फ्राम द लेफ्ट साइड इसकी राइट या लेफ्ट साइड ही हमारे यहाँ पे डिस्टिंग्विश करती हैं लेफ्ट और राइट लिमिट को भी और यहाँ पे लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव को भी इसके अलावा सिंपल अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं लेफ़्ट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स इज़ अप्रोचिंग टू एफ ऑफ़ एक्स माइनस एफ ऑफ़ ए ओवर एक्स माइनस ए देखिए अगर आप इस फॉर्मूले को देखें लेफ्ट डेरिवेटिव के इस फॉर्मूले को देखें और यहाँ पे इस फॉर्मूले को देखें तो ये तकरीबन तो सेम ही है यहाँ पे एक्स और ए एक का जो डिस्टेंस है वो बहुत क्लोज है एक्स और एक दूसरे के बहुत क्लोज है ठीक है कितने क्लोज हैं और कहाँ से क्लोज है मतलब लेफ्ट साइड से हैं तो फिर आप यहाँ पे इस तरह से ये देखें जी अगर आपकी लेफ़्ट डेरिवेटिव है तो एक्स अप्रोच कर रहा है ए को फ्रॉम द लेफ्ट साइड ठीक है तो इसमें एक्स जो है वो स्लाइटली ए के क्लोज क्लोज है ठीक है तो इसी तरह से अगर आप राइट right साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे और अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो आप ए के हेड पे माइनस का साइन डालेंगे ठीक है तो ये देखें जी ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों तकरीबन सेम है क्योंकि देखें इसमें आपका एक्स जो है वो ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है एक्स की जो वैल्यू है वो ए माइनस एच है अब इसमें ज़रा आप ए माइनस एच पुट करें तो आपके पास जो है वो अप्रोक्सीमेटली यही चीज़ बनती है बिकॉज देखिए यहाँ पे जो h है आपका वो यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है लिमिट क्या बता रही है एज के बारे में एज इज अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम द लेफ्ट साइड इसका मतलब एज कोई नेगेटिव नंबर है ठीक है, है, तो है. है तो एज यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर है फाइनली जब एज की वैल्यू हम पुट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बनता है एक्स माइनस समथिंग एज की वैल्यू पुट करेंगे एक्स माइनस समथिंग एंड दैट समथिंग इज वेरी स्मॉल नंबर ठीक है एज यहाँ पे कोई नेगेटिव स्मॉल नंबर है तो ओवरऑल जो यहाँ पे शेप आपके पास है वो फॉर्मूले में आपको प्लस लग रहा है यहाँ पे लेकिन एक्चुअली में जब आप एज को की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव ही बन जाएगा ठीक है इसी तरह से यहाँ पे जब आप पुट पुट करें ए माइनस एज आपके पास तो ए माइनस एज यहाँ पे एंड एज इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो आप सिंपल इस केस में आप लिखेंगे कि एच इज़ अप्रोचिंग टू यहाँ पे हम कहेंगे कि एच इज़ अप्रोचिंग टू जीरो फिर आपको यहाँ पे स्पेशल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे एच नेगेटिव को शो कर रहा है और इसी तरह से एक्स यहाँ पे लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है यहाँ एच जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो बताने का दोनों की सेंसेस जो है वो सेम बनती है ठीक है तो बात एक ही है इसी तरह से जब आप राइट right लिमिट की बात करेंगी इसी तरह से जब हम राइट right लिमिट की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे कि अगर आपका एक्स एच एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू ए प्लस एच है तो देखें एच यहाँ पे पॉजिटिव है तो यही फॉर्म आएगी ए प्लस एच वाली ही फॉर्म आपके पास आएगी इसमें आपके पास जो है वो एज की वैल्यू पॉजिटिव है और इससे पहले एज की वैल्यू जो थी की वो नगेटिव थी बात वही है सेम वही सेंस बनती है तो आप चाहे इस फॉर्म में पुट कर लेंगे ये फॉर्मूला भी मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्म में दिखा देती हूँ ये फॉर्मूला जो है आप इन दो फॉर्मूलों को भी जहन में रखें डायरेक्ट इस फॉर्म में आपने अप्लाई करने हैं लेकिन ये आपके पास जनरल फॉर्म है अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करने को कहा जा रहा है एट एनी पॉइंट एक्स लेकिन अगर वो एक्स पर्टिकुलर पॉइंट आपको ए की फॉर्म में दिया जाएगा इसकी वैल्यू दी जाएगी तो इसमें हम वो वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है इसी तरह से आपके पास जो दूसरा फार्मूला बनता है जी इसके पैरेलल जो दूसरे फार्मूला बनता है दैट इज़ जिसमें आप एज इन्वॉल्व नहीं करते जिसमें आपको एज नज़र नहीं आता तो वो आपके पास ये फॉर्म है ठीक है इसमें एक्स अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से ए को और यहाँ पे राइट साइड से अप्रोच कर रहा है इसमें देखें एज गायब हो गया तो सेंस वही है आपकी आ, जो आपके एज के फार्मूले में थी आप चाहे उस फॉर्म में आ, डेरिवेटिव लेफ्ट और राइट कर लें चाहे इस फॉर्म में कर लें ये देखें एफ ओ फ्स माइनस एफ ओ फे ओवर एक्स माइनस ए सेम फार्मूला दोनों तरफ सेम है लेकिन एक्स की जो अप्रोच है ए को किसी किसी पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे आपने इन फाइंड करना है डेरिवेटिव उसकी अप्रोच पॉजिटिव और नेगेटिव है ये देखें पे। ये यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिमिट को डिफाइन करती है तो मैंने आपको यहाँ दोनों फार्मूले बता दिए हैं अब आपने अपनी मर्जी से आप चाहे ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें लेफ्ट और right राइट लिमिट के लिए चाहे आप पिछला फार्मूला इस्तेमाल कर लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता